गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है? मेरी स्क्रीन विजुअल है? प्लीज कंफर्म कि साउंड आ रही है और स्क्रीन विजुअल है। यस चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम CAH12 हमने स्टार्ट किया था। कल हमने CAH12 स्टार्ट किया था। चलो स्टार्ट करते हैं। तो CA12 के पहले तीन क्वेश्चन आपको क्लियर हुए? CA12 के पहले तीन क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट? क्लियर है पहले तीन क्वेश्चन? चलो अगर पहले तीन क्वेश्चन क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे चौथे और पांचवे क्वेश्चन, राइट? यहां मैंने बोला था चौथा और पांचवा क्वेश्चन, पांचवे को रोकने को बोला था। चौथा क्वेश्चन कल क्लियर हुआ था। फिर से बता दूं, पहले तीन टर्मों में तो केवल SN निकालना था। यहाँ सीरीज लिखो, सीरीज का R पता करो, X में मल्टीप्लाई करो और एक एक टर्म को सबको शिफ्ट कर दो। याद रखो, जब भी आप SN निकाल रहे हो, एक टर्म इधर माइनस के साथ आएगा और जो माइनस करके सीरीज आएगी वो GP में आएगी। क्लियर है? एपी अपना काम खत्म कर देती है एस में से एक्स एक्स माइनस होने के बाद जीपी का सम करके। ये आपने किया। पांचवा क्वेश्चन मैंने कल छोड़ा था, उसे अभी हमारे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। छठवा क्वेश्चन समझ में आ गया था सबको कल? कोई क्लियर, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। आज यहाँ CAH12 तक की PDF आज आपको दे दी जाएगी। CAH12 तक की PDF आज आपको मिल जाएगी। छठवे तक क्लियर? चलो सातवां मैंने क्वेश्चन कल कराया था। सीरीज देखा, आर देखा, SY2 निकाला, माइनस किया और ये सातवां और नौवां क्वेश्चन आपको क्लियर। आठवां कल छोड़ रखा था, उसे हम अभी बात करने वाले हैं। आठवें और पांचवें दो क्वेश्चन जो कल लेफ्ट किए, क्योंकि ये ओरिजिनल कंसेप्ट से थोड़ा सा अलग है, इसलिए इनको कल लेफ्ट किया था। नाइन तक क्लियर है सबको? अगर नाइन तक क्लियर है तो हम 8 और 5 डिस्कस करें। अगर 9 तक सबको क्लियर है तब 8 और 5 डिस्कस करें। यस, तो 9 के बाद 10 और 11 करिए जल्दी से। आप लोग करके आए होंगे 10th और 11, 10th और 11 आप करके आए होंगे। तो ये मैंने बताया था कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इनफाइनाइट के क्वेश्चन हैं। इनफाइनाइट के क्वेश्चन में आसान बात ये है, पहली बात तो ये है कि इनमें हमें TN नहीं निकालना पड़ता। दूसरी आसान बात यह है कि इसमें बाद का कोई हिसाब नहीं रखना पड़ता कितने टाइम है। तो जब भी इनफाइनाइट के क्वेश्चन आते हैं तो हमें दो फायदे होते हैं। दो फायदे कौन कौन से? वो ये हैं फायदे कि हमें ज्यादा हिसाब नहीं लगाने पड़ते। माइनस, सॉरी माइनस नहीं लिख रहे हैं तो तुम गंदगी हो जाओगे। हाफ का मतलब यहाँ आएगा हाफ, यहाँ आएगा 3/2, 5/2 की पावर 3, देख सकते हो इनफाइनाइट तक। क्लियर है? तो जब हम माइनस 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 करेंगे तो यहाँ बच्चों आप लोगों ने लिखा हुआ S/2 बराबर कितना? 1 + 1 + 2/2 + 2/2 का स्क्वायर + 2/2 की पावर 3 ।। इतना कर लिया होगा। बोलो ये क्वेश्चन हुआ था आप लोगों से कि नहीं? प्लीज एक बार कंफर्म करो। ये 1 प्लस, यहाँ से जीपी बन रही है, जीपी यहाँ से बन रही है। पहला टर्म कितना है? 2/2 बोले तो 1 upon 1 - 1/2, तो ये आ जाएगा 1 + 2 बोले तो 3। यहाँ पर एस की वैल्यू 6। बोलो ऐसा कोई है जिसका ये एस की वैल्यू 6 नहीं आ पाई हो या कोई समस्या आई हो? क्लियर? चलो 11वां देख लेते हैं। 11वें में आप लिखोगे S = 3/2,
-5/6 +7y18 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसमें आप लोगों ने देखा होगा जहां जो आर है वो माइनस का 1/3 है। प्लीज रिमेम्बर आर माइनस का 1/3 है। क्वेश्चन में लॉजिक क्या है? जो आर है वो माइनस का 1/3 है, देख लीजिए। क्लियर हो रहा है? माइनस का 1/3 है तो ये आएगा माइनस का 3/6, ये प्लस का हो जाएगा 5/18 डॉट 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 डॉट। जब इसमें से माइनस कर रहे होंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये 4/3 ऐसा आएगा। ये कुछ बच्चों को हजम करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, और जिन्होंने ओरिजिनल तरीके से समझा है इसको उनको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा। बोलो यहां तक क्लियर? बोलो क्लियर हो रहा है? तो इसका आंसर कितना आएगा सर? आंसर बता देता हूँ, 4/3s, क्योंकि ये माइनस के आर की वजह से प्लस होके 4/3s हो जाएगा, 3/2। इसका पहला टर्म कितना है? पहला टर्म है 1/3 अपॉन 2/6 का मतलब 1/3 अपॉन 1 माइनस प्लस का हो जाएगा 1/3। तो ऑब्वियसली बात है 1/3 अपॉन 4/3, बोले तो 1/4 आएगा, बोले तो कितना आएगा 1/4, इसे मैं 6/4 माइनस 1/4, बोले तो ये कितना बचेगा? आप सॉल्व कर लिए, ये बचेगा 5/4। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो एस का आंसर है वो आना चाहिए 15/16। बोलो 10 और 11 आप लोग अच्छे से अगर कर पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? ये आपका सी है, इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। यहाँ तक मैंने आपका सी ए सॉल्व किया, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर? 10 रिपीट। 10 में बेटा 1 3/2, 5/2 का स्क्वायर, 7/2 का क्यूब। आप बेटा अपने आप से पूछो कि सीरीज में आर कितना है। ऊपर एपी को मत देखो, जीपी को पहचानने की कोशिश करो, तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो आर है वो 1/2 है। अगर मेरा आर 1/2 है तो एस में 1/2 का मल्टीप्लाई S/2 बराबर 1 का 1/2 का मल्टीप्लाई, इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट होते जाएंगे। तो इनफाइनाइट है, टेंशन नहीं है कि शिफ्ट होके कहाँ गए, ये इनफाइनाइट है इसलिए शिफ्ट होके कहाँ गए, हमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो बेटा 1 का 1 प्लस 3/2 में से 1/2 गया तो 2/2, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2 2 2 2 2। तो ये बन गई जीपी, जिसका पहला टर्म आ गया 1 और कॉमन रेशियो आर। क्लियर हुआ शांतनु डलवी? नोट करना है, नोट कर लो। चलो 11 तक किसी का और कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? तो मैंने आपको 8वां और 5वां ये दोनों में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अगर एचए सॉल्व करके लाए हैं तो हमें एचए डिस्कस किया जाए। क्लियर? तो एचए के पहले 3 क्वेश्चनों में कोई डाउट? एचए के पहले 3 क्वेश्चनों में कोई डाउट? पहले मैं एचए डिस्कस करूंगा। चलो रुको 1 मिनट, एक यहाँ से पहले डिलीट करना पड़ेगा तो लोग पढ़ लेंगे। यस सही किया है जिसने भी 8 भेजा व्हाट्सएप पर। चलो तीसरा पूछा है लेकिन मैं सारे बता, देखो 1 2 3 4 बोले तो n, नीचे 3 की पावर एन माइनस वन, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1 3 5 7, 1 3 5 कितने का डिफरेंस है? 2 का, तो 2n, 1 लाने के लिए -1 करना पड़ेगा, नीचे 2 की पावर n-1। बोला था जितनी r की पावर आएगी उतनी ही -1 की पावर आएगी, जितनी r की पावर आएगी उतनी ही -1 की पावर आएगी। तो क्या सर, तो क्या ये आंसर हो गया सी?
तीसरे में आपको कंफ्यूजन लग रहा है, देखो ए 1 4 7 10 कितने का डिफरेंस है कोई बता। अच्छा सम निकालना है तीसरे में, ओके तीसरे में सम निकालना है, तो तीसरे क्वेश्चन को मार्केट में लेके आते हैं। एस बराबर 1 प्लस 4 एन, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जब आप 5 6 क्वेश्चन खुद से अपना कॉमन सेंस लगा के सॉल्व कर रहे होंगे तो ये अपने आप ही क्लियर होता है। तो 1 प्लस 4x प्लस 7x का तो आपको देखो 1 4 7 10, क्या ये 3 का डिफरेंस है, और पहला टर्म लाने के लिए -2 और x की पावर n-1। बोलो जिनको तीसरा क्वेश्चन डाउट आया है कोई भी हो, आपको पहली लाइन क्लियर हुई दोनों को, पार्थ और नंदन पहली लाइन क्लियर, व्हाट्सएप चेक किया प्रथमेश बेटा 8वां आपका सही है। चलो पहली लाइन क्लियर, देखो 1 4 7 10 3 का डिफरेंस है इसलिए 3n, 3 का डिफरेंस है इसलिए 3n, लेकिन 1 लाने के लिए 3 में से -2 करना पड़ेगा इसलिए ये करना पड़ेगा, क्लियर। तो -2 किया तो 3n-2 x की पावर n-1, क्लियर। चलो अब कॉमन डिफरेंस के लिए एक्स से एक्स लिखो, 1 में x का मल्टीप्लाई x, यहाँ आ जाएगा 4x2, यह आ जाएगा 7x3, समझने की कोशिश करना, यह आ जाएगा 3n-5। ऐसा कैसे सर, n की जगह n-1 डालो तो -3 और रिलीज होगा, तो वहां से आपको समझ में आएगा, और ये इधर चला जाएगा 3n-2 x की पावर n। जब आप इसमें से इसका डिफरेंस कर रहे होंगे बेटा तो ये s into 1 minus x, अब माइनस करते हैं बच्चा बच्चा जानता है, तो 1 plus 3 बार कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x+x2+x³+... x की पावर n-1 -3n-2 x की पावर n। पार्थ एंड नंदन दोनों को क्लियर, चलो उम्मीद है क्लियर होगा, यस। तो आगे समझो, 1 प्लस ये जीपी का फॉर्मूला लगाओ, जीपी का पहला टर्म कितना है x, पहला टर्म कितना x, अंदर आएगा 1 minus x की पावर n-1। आप देख सकते हो पहले से लेके n-1 तक इस सीरीज के अंदर n-1 टर्म होंगे, डिवाइड बाई 1 minus x। क्या आप अगला स्टेप आगे खुद कर सकते हैं, आंसर मैच कराने का अगला जो काम है वो आप कर सकते हैं क्या बेटा? आगे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 minus x का डिवाइड, तो देखो 1/(1 - x) आएगा या 1 minus x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पूरे का एलसीएम लेना पड़ेगा तुमको 1 minus x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक 1 minus x यहाँ आएगा, एक 1 minus x का इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर ऊपर का देख लेना कॉमन ले लगा के आंसर आ जाएगा, या तो ए आ रहा होगा या डी आ रहा होगा, क्लियर। चलो चौथे को मैं बता देता हूँ, आप पूछो उससे पहले ही, चौथे में एस बराबर के नाम पर आएगा 1+2y5+3y5 का स्क्वायर, मैं बस आधा बता रहा हूँ बाकी आप लोग होशियार हो। अगर ये क्वेश्चन जेई में आया तो नंबर ऑफ टर्न बताएगा, यहाँ पर एन एन होगा n/5 की पावर n-1। जब आप इसमें से s/5 माइनस करने का प्लान कर रहे होंगे तो यहाँ पर आएगा 1/5, यहाँ आएगा 2y5 का स्क्वायर, ...... तो इस डॉट डॉट का क्या फायदा है बताता हूँ, ये बचेगा 4y5s, 4y5s, क्लियर। तो 1 प्लस ये बचेगा 1y5 + 1y5 का स्क्वायर, ...... लेकिन लास्ट में एक टर्म बचेगा -n/5 की पावर n। अब यहाँ से आगे आप लोग खुद करना, मैं बस एक टर्म और लिख रहा हूँ, पहला टर्म 1 तो अंदर आएगा 1 minus 1y5 की पावर n डिवाइड बाई 1 minus 1/5 -n/5 की पावर 1। क्या यहां से आगे अब आप कर लोगे, क्या चौथा क्वेश्चन यहां से आगे कुछ समझ सकते हो, ये 4y5 आएगा मतलब 5/4 हो जाएगा, उधर से लाओगे तो 25/16 आ जाएगा, और 25/16 कितने ऑप्शनों में, एक ए ऑप्शन में, तो चिल्ला चिल्ला के पता चल रहा है कि आंसर ए ऑप्शन होगा, कर लोगे? अजी बोलिए, यस। तो नोट कर लो, यहाँ तक पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, हाँ
नोट करो यहां तक। डन। चलो चार तक किसी का और कोई डाउट? चार तक किसी का और कोई डाउट? नोट हो गया यहाँ तक, चार तक नोटेड पार्थ। आप बस देखिए, हर क्वेश्चन में सर एक ही कहानी को रिपीट कर रहे हैं, कोई नई कहानी सर बार बार नहीं ला रहे हैं। क्लियर है? चलो पांचवा छठवा, कोई डाउट या हो गया? फाइव और सिक्स डन, या डाउट है? फाइव और सिक्स में से किसी का डन? अच्छा डाउट है किसी का हो तो बता दो। फाइव या सिक्स मैं बता दूंगा, इनफाइनाइट है, सीधा एस माइनस एस एक्स करना है, दोनों में सीधा आंसर आ जाएगा। इनफाइनाइट है इसलिए टेंशन खत्म हो जाती है इनफाइनाइट के नाम पर। सेवन एट तक कोई डाउट? फाइव सिक्स सेवन एट में से बोलो, अगर नहीं हुआ है तो प्लीज बोलो, नहीं करके लाए हैं तो बोलो, मैं आपको टाइम देने के लिए या करा के देता हूँ, लेकिन छोड़ दोगे तो ये आपका निकल जाएगा बाहर। जितना एपी जीपी आपको समझना था, जितना आसान पार्ट की अगर बात कर रहे हो तो वो अब तक कंप्लीट हो चुका है। अब यहां से आगे जो भी पार्ट है वो थोड़ा सा टफ ही है। सिक्स। चलो तो एक ने बोल दिया कि सर फाइनली सिक्स बता दो। वैसे मैं बता दूं कि जो सिक्स अगर आप पूछोगे और चाहे पांच बार, दोनों एक ही हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। एस बराबर कितना है? वन प्लस फोर एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर डॉट 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 डॉट। क्लियर? इसमें से एस एक्स माइनस करो तो वन का यहाँ आ जाएगा एक्स, ये इधर आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा सेवन एक्स क्यूब। ऊपर कितना होगा? ऊपर मैं बता देता हूँ, नहीं, कुछ गड़बड़ है, ये सॉरी सेवन यहाँ होगा टेन एक्स क्यूब। क्लियर है? चलो तो माइनस करने के बाद बच्चों आएगा एस इंटू वन माइनस एक्स, ये आ जाएगा वन प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट। याद रखिए, पहला टर्म जीपी में हो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दूसरे सब टर्म से जीपी बनेगी इस बात की 101% गारंटी है। बोलो बेटा समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आप वन माइनस एक्स एलसीएम ले लो तो ऊपर बचेगा वन प्लस टू एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स। अब तो बच्चा बच्चा भी बता देगा, डी आएगा। मेरे को पांचवे के भी सपने आ रहे हैं कि सी आंसर आ सकता है।
वो लोग 5 6 7 8 कुछ और पूछ रहे हैं तो पूछ लो, फिर बाद में मत कहना कि सर आपने डाउट नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर ये फाइल मैं बंद करके फिर नई फाइल लूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। CHA 12 तक ये फाइल कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। क्लियर? अजी बोलिए, क्लियर आठ तक सबको? बिल्कुल ये काम करना है। आठ तो आठवा भी बता देता हूँ, सातवा और आठवा एक जैसे क्वेश्चन। अच्छा सातवा भी आठवा भी, ठीक है तो सातवा आठवा दोनों देख लो। सातवा दिया है तुम्हारा एस बराबर, देखो सर कुछ नया नहीं करेंगे, S+S/4। तुमको ये तो समझ में आ रहा है कि ऊपर AP और नीचे GP है, मतलब ये क्वेश्चन हो गया AGP का। जब आपको इतना पता चल जाए कि ये क्वेश्चन AGP का है, आपको चुपचाप ये लिखने का इनफाइनाइट है, मतलब खुश हो जाना चाहिए। S/4 बराबर 3 आ जाएगा इधर 3/4, 5 आ जाएगा 5/4 का स्क्वायर, और 7 आ जाएगा 7/4 का क्यूब। क्लियर सर? लास्ट में एक माइनस क्यों नहीं बचता, क्योंकि आज तक कोई बता ही नहीं पाया इनफाइनाइट किधर है, इसलिए हमने लास्ट का टर्म नहीं निकाल सकते। तो 3+ ये आएगा 2/4, ये आएगा 2/4 का स्क्वायर, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये क्या है? इनफाइनाइट GP है। बच्चा बच्चा द प्री स्लाइड, बेटा रुको 1 मिनट में प्री स्लाइड दिखाता हूँ। 2/4 बोले तो 1/2 अपॉन 1 - 1/4। नोट कर लो सातवा, आठवा कर लोगे बेटा? चलो पहले मैं प्री स्लाइड दिखा देता हूँ, सातवां जिसको समझ में आ गया वो अपने आप करे, पहले सातवां अपने आप करो। जब तक आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाना चाहोगे, जब तक क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। प्लीज टेल 8, बिल्कुल बताऊंगा। 6 तक नोट हो गया। चलो आठवें का अगर डिमांड आई है कि नहीं सर आठवां हम अपने आप नहीं कर पाएंगे, आप बताइए तो बिल्कुल बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बताना मेरा काम है। तो आठवें को देख लीजिए बेटा, 1+2y5+3y5 का क्यूब, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। क्लियर है? अब यहाँ पर आप S/5 निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर आर कितना है देश, तो ये बचेगा 4y5s। जब एस में से 4 S/5 जाएगा तो इतना बचेगा, 1 का आ जाएगा 1/5, 2 का इधर आ जाएगा 2/5 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। तो माइनस करो 1 का 1, ये 1/5, ये 2y5 का स्क्वायर। आप देख सकते हो बेटा कि ये पहले टर्म से ही GP बन गई। आपने अगर कसम खाई है कि पहले टर्म को GP नहीं मानना, तो दूसरे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वरना आपको ये दिख रहा होगा कि ये पहले टर्म से ही GP है। तो बेटा 4y5s बराबर 1 अपॉन 1 - 1/5। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। तो अच्छा बच्चा जानता है 25 अपॉन 16 इसका आंसर आएगा। क्लियर हुआ कोकरे बेटा? माई प्रॉब्लम, तुम्हारी कौन सी प्रॉब्लम है? माई प्रॉब्लम देखता हूँ। दोबारा कमेंट कर दो बेटा, ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है। आपकी क्या दिक्कत है बेटा पार्थ? सर मुझे सम्स विदाउट इनफाइनेट में दिक्कत है, सम विदाउट इनफाइनेट में सबको ही दिक्कत है। तुमको क्या लग रहा है क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, 100 के 100 को क्लियर हो गया? नहीं, मैक्स टू मैक्स 20 को क्लियर हुआ है। सम ऑफ जो एन टर्म है ना, वो हर एक को इनफाइनाइट समझ लो बस। क्वेश्चन इनफाइनाइट का आएगा तो करके आना, इसे मत छोड़ के आना। एंड टर्म का तो बगैर प्रैक्टिस के नहीं आ सकता। क्लियर है? तो
उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर 7 5 का क्यू कैसे, 7 5 का क्यू कैसे बेटा? जाइए थोड़ा व्हाट्सएप चैट पढ़िए, कल मैंने ग्रुप में डाला हुआ था ये 4 बाई 5 का क्यू है, जाके देखिए एक बार व्हाट्सएप चैट में बेटा, व्हाट्सएप चैट में जाइए, कल मैंने बताया था H8 का चौथा टर्म 4 बाई 5 का क्यू है, बोलो लिखा है कि नहीं, जाके पढ़ो व्हाट्सएप चैट। मैंने कल पहले ही आप लोग कंफ्यूज रहा हो इसलिए मैंने व्हाट्सएप चैट में ये मैसेज करके लिख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे डाउट्स आएंगे। क्लियर? क्वेश्चन गलत था इसलिए मैंने पहले से ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। क्लियर? चलो अब हम 8वें और 5वें क्वेश्चन जो लेफ्ट किए उन्हें समझते हैं, इनमें क्या है। 8वें क्वेश्चन को क्या सर एक बार प्लीज थ्योरी शॉर्ट में एक्सप्लेन। बिल्कुल बेटा इन क्वेश्चन को बता, मैं थ्योरी फिर से बता रहा हूँ कैसे करना है। चलो पहले इन क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर मैं थ्योरी को एक बार समझा देता हूँ। थ्योरी में कुछ नहीं है, अगर एन टर्म का फॉर्मूला है या इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट था तो हेडिंग खत्म, अगर एन टर्म का फॉर्मूला है तो लास्ट में एन टर्म का लिखने का है। क्लियर है? दूसरा स्टेप पता करो आर कितना है। आर पता चला सूत्रों से कि इस सीरीज का आर जो है वो एक्स है, तो यहाँ पर एस एक्स निकालने का, एस एक्स निकालने का तो यहाँ आएगा एक्स, यहाँ आएगा 3x², यहाँ आएगा 6x³। बच्चा बच्चा समझ गया थ्योरी बेटा, मैं अभी एक बार दोबारा बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आपको सीरीज में लग रहा है कि एपी जीपी दोनों आए हैं, तब आपको ये काम करना है। ये काम कब करना है? जब आपके एपी और जीपी दोनों यहाँ पर आए हो। क्लियर? तो क्या मैं 1 का 1 लिख लूं? क्या यहाँ 2x बचेगा? क्या यहाँ 3x² बचेगा? क्या यहाँ पर 4x³ बचेगा? बोलो यहाँ तक क्लियर सबको? लेकिन यहाँ जब आप देखोगे तो ये फिर से एजीपी आ गया, ये जीपी नहीं है, ये एजीपी आया। सर आपने तो बोला था एस में से एस एक्स घटा के जीपी आ जाएगा, लेकिन नहीं आया है, तो अब क्या करें? नहीं आया है तो देखो ध्यान से, ये फिर से एजीपी है, क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, जो ऊपर जो क्वेश्चन 1 + 3x + 6x² 10x³, वो खुद एपी नहीं था, क्योंकि 1 3 10 और 6 और 10 एपी है क्या? लग रहा है कि तुमको एपी नहीं है ना, इसलिए हमने पहला डिफरेंस निकाल के इसे एपी बनाया। मैं फिर से बता दूं, हमने पहला डिफरेंस एस में से एस एक्स माइनस करके इसे एपी बनाया है। क्लियर है? अच्छा थोड़ी देर के लिए इसे क्या मैं टी मान सकता हूँ? बोलो कोई दिक्कत? क्या मैं थोड़ी देर के लिए इसे टी मान लू? क्या मैं थोड़ी देर के लिए इसे टी मान सकता हूँ? यस। तो अब मैं क्या करूंगा, टी एक्स निकालूंगा। जब मैं टी एक्स निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 इधर आ जाएगा x, 2 इधर आ जाएगा 2x², 3 इधर आ जाएगा 3x³। जब भी ऐसे इनफाइनाइट तक है तो टेंशन लेने का नहीं, tn तक होता तो हमारी बैंड बज गई होती। तो ये t इंटू 1 - x बराबर आ जाएगा 1 + x + x² + x³ डॉट 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 डॉट। तो ये सीरीज का सम हो गया 1/1 - x। तो आप समझ सकते हैं t की वैल्यू पुट कर दो, s इंटू 1 - x 1 - x बराबर आ गया 1/1 - x। तो आप देख सकते हो s बराबर 1/1 - x का होल क्यू आंसर आ जाएगा। पहले 8वां क्वेश्चन नोट करें प्लीज, पहले 8th क्वेश्चन नोट करा जाए। सर 5 हम खुद से ट्राई करते हैं, 5 अभी आपका उसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है, आप खुद से ट्राई कैसे करोगे? वो 8वें जैसा तो है नहीं, वो क्वेश्चन 8वें का डुप्लीकेट तो है नहीं। एक पेपर भेजा है आपको बिटनेट। बिटनेट, उसका बना के एडवांस वालों के लिए सैटरडे को लॉन्च कर दो पेपर, 1 घंटे बन जाएगा ना। हाँ सॉल्यूशन मत डालना, आंसर की डाल दो, वाले बच्चों को सैटरडे को एक्टिवेट कर दो।
जिनको देना वो दे लेंगे, नहीं देंगे तो उनकी प्रॉब्लम। ठीक है, 11th का पेपर प्रॉपर मिला ना, कोई दिक्कत आई बनाने में? चलो स्टेप 5, 1 2 3 4 5, 5 में क्या है, कौन से स्टेप, 1 2 3 4 5। अगर आप टी में से टी एक्स माइनस करोगे तो टी वन माइनस एक्स आएगा कि नहीं, जब टी में से टी एक्स माइनस करोगे तो टी वन माइनस एक्स आएगा कि नहीं, इसी वजह से तो मैंने टी माना था, ताकि नहीं तो तुमको बहुत दिक्कत होती थी समझने में, इसलिए तो टी माना था। अब वन में एक्स का मल्टीप्लाई एक्स, टू एक्स में आप इसमें अब एक्स का मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म आगे शिफ्ट करते हैं, तरीका वही रहेगा। क्लियर? तो वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू डॉट 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 डॉट। क्लियर हुआ पार्थ? और इसका सम जानते हो, इनफाइनाइट जीपी का सम ए अपॉन वन माइनस आर। क्लियर हुआ? क्लियर? हाँ, वन अपॉन ए कितना है सीरीज का, वन, आर कितना है एक्स, तो ए अपॉन वन माइनस आर। क्वेश्चन फाइव में देखो बेटा, क्वेश्चन फाइव को करने के कई तरीके हैं। सम ऑफ एन टर्म बोला है, बिल्कुल सही वाला, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म बोला है। बेसिकली बेटा ये चीज मैं आपको, मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, लोग छोड़ो इस क्वेश्चन को, आप छोड़ दो इसे, मैं अगले सीएचए में करा के देता हूँ। ठीक है, बिल्ली क्या ये सिग्मा वाले तरीके से होता है, टी एन निकालना है तो बहुत आसान, नीचे 2 4 r तो ऊपर आएगा 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n। इसे अभी के लिए कैसे कर सकते हो वो बता देता हूँ। अब वन को लिखो 1 माइनस 1/2, 3/4 को लिखो 1 माइनस 1/4। अभी आप ऐसे लिख लो, क्यों सर आपकी अपनी मर्जी चल रही है कि नहीं, ये आपको अगले असाइनमेंट में समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। अभी आप इसे ऐसे लिख लो एन टर्म तक, एन टर्म में देखो 1 1 1 1 1 1 1, तो ये आएगा एन माइनस अंदर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 एन टर्म। अभी आप इसे ऐसे मान लो, एन माइनस पहला टर्म 1/2, अंदर आएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल, तो एन माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये आंसर आएगा। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो सी हो जाएगा। अभी के लिए मान लो कि ये ऐसा ही है, इसे इस सी एच ए से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसे मान के अभी के लिए इसे छोड़ दो, ये माफ कर दो बेचारे को। ये क्वेश्चन अगले सी एच ए का है, सी एच ए 13 का है, गलती से यहाँ आ गया है, ये सी एच ए 13 का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ आ गया है। अगले वीक सैटरडे तक ये चैप्टर मैं क्लोज कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़े, तो एक ने बोला था सर थ्योरी एक बार दोबारा रिवाइज करा दो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थ्योरी आपकी रिवाइज हो जाए। तो थ्योरी शायद इस पीडीएफ में नहीं थी, हमारी 3 दिन की कोई पीडीएफ थी और 3 4 पेज की उसके अंदर थी। सर कौन से सीए तक आएगा इस पेपर में, जो आएगा वो सीएएचए 9 तक आएगा, सॉरी 9 10 तक जो भी कराया, इस एचपी तक जो भी कराया है ना मैंने, एचपी तक वहां तक आएगा, सीएचए 10 तक आप मान लो वहां तक आएगा। इसकी थ्योरी एक बार एक्सप्लेन करने को बोला गया है मेरे को, तो करना मेरी ड्यूटी है, बताता हूँ। हेलो, तो मुझसे बोला गया था एजीपी टेस्ट में नहीं आएगा, अगले टेस्ट में आएगा। चलो एक सीएचए मैंने छुड़वा रखा है, मुझे पता है, देख लेंगे। ये कल थ्योरी थी पार्थ बेटा, थ्योरी को एक बार पढ़ लो,
अरे CA11 कहाँ करा देख रहे रहे यार, तुम लोगों के कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हो। CA11 मैंने आपको शायद नहीं कराया है। हाँ तो CA11 आपको छुड़वा रखा है ना मैंने अभी का, ये रिलेशन बिटवीन AM GM HM मैंने नहीं कराया है, तो वो अभी मैं कराऊंगा बाद में। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे कौन सी हेडिंग लेनी चाहिए कौन सी हेडिंग नहीं। ठीक है चलो, ये थ्योरी समझ लो बेटा। एक सीरीज होती है जिसमें ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी मतलब AP और R का मल्टीप्लाई होके GP बनती है। R का मल्टीप्लाई होके GP बनती है, उसमें से हम कॉमन रेशियो पे फोकस करते हैं। कॉमन रेशियो अगर R है तो S में R का मल्टीप्लाई करके S में से माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद जैसे ही हमको GP दिखाई दे वहां पर हम SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं और एडिटिव ऐसे सॉल्व करते हैं। याद रखें जब भी हम SN के लिए बात कर रहे हैं तो एक टर्म माइनस का आता है। प्लीज रिमेम्बर, जब हम SN निकाल रहे हैं तो एक टर्म माइनस का आता है। कौन सा? लास्ट वाले टर्म में R मल्टीप्लाई हो गया। आप देख सकते हो लास्ट वाला टर्म यहाँ ये था R की पावर n-1, इसी में एक R और मल्टीप्लाई होके एक टर्म माइनस का आता है। बस ये अगर जिसने समझ लिया उसके लिए कुछ भी नहीं। बोलो क्लियर? क्या मैं अगली एडिंग पर बढ़ सकते हैं आगे? वन माइनस आर होगा ना, कहाँ पर होगा बेटा ये तो बताओ। देखो अपनी ऊपर है, यहाँ अगर आर की पावर एन को इधर ले रहे हैं तो यहाँ पर वन माइनस आर आएगा। अगर वन माइनस आर की पावर एन माइनस वन ले रहे हैं तो वन माइनस आर आएगा। क्लियर है अपना बेटा? तो अपने ऊपर है, आर को किधर ले रहे? आर पहले ले रहे हो तो नीचे भी आर पहले आएगा, आर अगर बाद में ले रहे तो आर बाद में आएगा। तो ये अपने ऊपर होता है पूरा खेल। क्लियर? चलो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। PDF आज इसकी आपको मिल जाएगी। फाइंडिंग PN ऑफ द AGP बताओ। फाइंडिंग PN ऑफ AGP, चलो तो एक काम करते हैं, फाइंडिंग PN ऑफ AGP के ही क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो मैं फाइंडिंग TN के ही क्वेश्चन कर लेते हैं दो चार और। क्लियर? चलो ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए, तो फाइंडिंग TN के मैं एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूँ। चलो तो मैं आगे बात कर रहा हूँ फाइंडिंग PN के क्वेश्चनों की। ये लो पावर पॉइंट का ही काम खत्म हो गया। वेट करिए, फाइनेंस TN की मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ। कोई फायदा नहीं है, चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ, इसे करते हैं क्लोज। इसे करते हैं बंद और लेते हैं ये PDF। जब भी हमारा क्रैश कर जाता है हम इसे इसी पर ऑप्शन में आना पड़ता है। लिखते हैं फाइंडिंग TN। चलो करके बताना फाइंडिंग TN के बेटा। मुझे दिया गया 2 + 3 + 8x, 40 + 20x³. चलो इसका TN बताओ क्या आएगा। दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसका TN कैसे आएगा। करो बेटा।
करिए। दूसरा क्वेश्चन है -3 कॉमा एक्स कॉमा 5 एक्स स्क्वायर कॉमा 9 एक्स क्यूब डॉट 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 डॉट। तीसरा 2 एक्स की पावर 3 कॉमा -1 एक्स की पावर 4 कॉमा -4 एक्स की पावर 5 कॉमा डॉट 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 डॉट। चलो जल्दी से बताओ इन सब के टीएन कितने आएंगे। 3 क्वेश्चन है ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। ये क्या है 1 -3/2 5x। चलो चौथा क्वेश्चन बच्चों ने खुद बताया, इसीलिए हम बता रहे हैं सर आप टीएन निकालने पर फोकस करो। बहुत बढ़िया। चलो ये भी बता देते, चलो तो तुम लोगों के लिए 4 क्वेश्चन हो गए। और किसी के मन में एक आध डाउट हो तो वो मुझे बता दो। करिए इन क्वेश्चनों को, करिए इन क्वेश्चनों को। बोलो पहला हुआ सबका पहले का आंसर 1 8 14। आप देखिए कितने का डिफरेंस है 6 का, तो 6x-4 6x 6n क्यों आएगा, क्योंकि 6 का डिफरेंस है। क्लियर। आप 2 कैसे आएगा, -4 का 6 में से 2 माइनस करेंगे तभी 2 आ सकता है, बाकी x की पावर n-1। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो ऐसे लिखने का मैं आपको बताऊँ, 1 8 1 8 14। आपको अगर कन्फ्यूजन है 20 डॉट 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 डॉट, तो यहाँ से एपी का टीएन निकालने का ए कितना है 1 + 1 + n-1। डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू जहाँ 2 है डी की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ से भी 6 कर लो, 6n-4 आ जाएगा। जिसको कन्फ्यूजन है सर आपका तरीका हम नहीं सोच पा रहे कितने का डिफरेंस है कितना माइनस करना है, तो आप सिंपल अपना एपी लिखो, एपी का टीएन निकाल लो, वही निकल के आ जाएगा। क्लियर। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ, दूसरा क्वेश्चन बताओ आप लोग। 4n-7 -3 1 कितने का डिफरेंस है 4 का, इसलिए आ जाएगा 4n। अब 4n में से -3 कब आएगा, जब मैं -7 करूँ, 4 में से -7 करूँगा तभी तुम्हारा 4n आएगा, और x की पावर n-1। सार्थक बेटा क्या आपको क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं सार्थक बेटा? यस। अगर आपको डाउट है तो -3 1 5 टी एन निकालो, जिसका ए कितना है -3 + n-1 और डी कितना है सीरीज का 4, तो यहाँ से भी सॉल्व कर लेना, 4n-7 आ जाएगा। क्लियर है। जब भी आपको डाउट लगे एपी की हेल्प ले लो, एपी आपको अपना आंसर बता देगी। चलो तीसरे का आंसर बताइए, थर्ड का आंसर बताइए, 2 -1 -4। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्लस होने के बजाय -3 होता जा रहा है, प्लस होने के बजाय -3 होता जा रहा है, इसलिए यहाँ -3n आएगा। बोलो समझ में आ रहा है? और -3 में क्या ऐड करूँ कि 2 आ जाए, बताओ सार्थक। और कोई नहीं बताएगा सार्थक, बताओ।
फाइव, वेरी गुड, -3 +5, वेरी गुड। और एक्स की पावर बताओ कितनी आएगी? सार्थक केवल आप ही बताओगे कि एक्स की पावर कितनी आएगी। एक्स की पावर बताओ सार्थक, एक्स की पावर बताइए। पहले में 3, दूसरे में 4, तीसरे में 5, तो एन वे में कितनी आएगी? अरे बोलो बेटा, कोई और बता दो भैया, एन की एक्स की पावर कितनी आएगी? गलत, n+1 गलत है, n+2 इधर राइट आंसर। क्लियर है? पहले में देखो बेटा, 2 ज्यादा है तो 2-2 आगे बढ़ती जाएगी। क्लियर हो रहा है सार्थक कि नहीं? यस। चलो अब देखो इस सीरीज में प्रॉब्लम क्या है। ये सीरीज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की, तो ऑब्वियसली बात है -1 की पावर n-1 इसमें आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि नीचे आप 2 की पावर n-1 तुम लिखने वाले हो। क्लियर है? तो बीच में जो प्लस माइनस की सीरीज, ये डाउट किसका था जिसने पूछा था? बहुत अच्छा डाउट पूछा था। ये क्वेश्चन देखे, नाम देख लेता हूँ उसका एक बार, अस्मित, बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ जो 2 की पावर n-1 है, तो ये भी n-1 आएगी, ताकि ये प्लस माइनस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये जीपी का पार्ट है, एपी का पार्ट नहीं है। अब 1, 3, 5, 7 कितने का डिफरेंस है? 2 का, तो 2n-1। क्लियर? बोलो, Tn निकालना समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो हम सिग्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लियर सर? क्वेश्चन फोर में बेटा आप क्या करो, लो तुमको ये दिक्कत कर रहा है ना, ठीक है, या -2 की पावर लिख लो। लो आप देखो, 1 -1/2, -1/2 और मल्टीप्लाई किया तो 1 y+ का 1 y4, फिर -1/2। इसका जो जीपी है ना, उसका कॉमन रेशियो -1/2 है, हाफ नहीं है, पहले ये समझो निषाद बेटा। इसकी जो जीपी है ना, वो -1/2 उसका आर है, उसका आर हाफ नहीं है, -1/2 है। जीपी के अंदर -1/2 होने से ही सीरीज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट होती है। बोलो अब ये आंसर क्लियर? और एपी क्या है अपनी? 1, 3, 5, 7, 2 का डिफरेंस, 2n, 1 लाना है तो -1। निषाद और अस्मित बेटा क्लियर? चलो तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे हेडिंग डालिए समीसन। आगे जो आपकी अगली हेडिंग है वो है समीसन। आज केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ पाएंगे। तो हमारे 2 मेथड होते हैं, रहने दो यहां पे तो लगेगा ही नहीं, सॉरी। यहां से एडिंग डाल दीजिए समीशन मेथड। ये ऐसे एडिंग डालिए सिग्मा, सिग्मा डाल लो, वो ज्यादा बढ़िया है। सिग्मा पढ़ लेते हैं। पहला होता है σ1, मतलब होता है आती से सिग्मा लगाते हैं, उनका सिग्मा का मतलब अलग है, हमारे सिग्मा का मतलब अलग है। इस साइन को हम बोलते हैं सिग्मा। क्लियर? यहाँ r=1 से लेके n तक, यहाँ मतलब होता है, अगर नहीं लिखा है तो समझना है 1 से लेके n तक है। क्लियर है? तो σ1 का मतलब है 1 को n बार ऐड करो। σ1 का मतलब है 1 को n बार ऐड करो। तो क्या σ1 की वैल्यू n, समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ σr लिख दूं या σn लिख दूं, तो इसका मतलब होता है पहले 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे तो 2 आएगा, 3 डालोगे तो 3 आएगा, 4 डालोगे तो 4 आएगा, और डॉट 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 एन डालोगे तो एन आएगा। एपी का फॉर्मूला लगा के ये आएगा n n+1/2। क्या
क्या आपको ये पहले दोनों फॉर्मूले क्लियर है? पहले मैं बताता हूँ सिग्मा वन का मतलब क्या है। सिग्मा वन का मतलब वन डालोगे तब भी वन रहेगा, वन तो वन ही रहेगा ना, वो क्यों चेंज होगा। टू डालोगे तब भी वन ही रहेगा, थ्री के टाइम पे भी वन रहेगा, फोर के टाइम पे भी वन रहेगा, डॉट 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 वन। क्लियर है? सिग्मा का मतलब समझो, सपोज करो मुझे एक काउंट्री करी मैंने, मान लो कि 10 बच्चे हैं मेरी क्लास में, मैंने बोला थोड़ा थोड़ा डोनेशन दे दो, तो सिग्मा का मतलब है तुम सबने जो डोनेशन दिया उस सब का सम। सिग्मा का मतलब है तुम सबने जो पैसा दिया, जो डोनेशन दिया उस सब का सम। क्लियर है? तो सिग्मा एन, तो सिग्मा वन का मतलब है मान लो सबने एक 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 रुपया दिया, तो अगर क्लास में 10 लोग तो सबने मिला के 10 रुपए दिए कि नहीं, क्योंकि तो पहले का भी वन है। सिग्मा वन का मतलब है हर एक से एक एक ही रुपया लिया गया। सिग्मा एन का मतलब है पहले वाले से 1 रुपया, दूसरे वाले से 2, तीसरे वाले से 3, चौथे वाले से 4, पांचवे वाले से 5, एनवे वाले से एन। तो इसको जब एपी का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, वहां से आएगा n/2 n+1। बोलो यहां तक क्लियर हो रहा है क्या? यहां तक बात भेजे में जा रही है? हाँ, ये स्टैटिक्स में भी सिग्मा का मतलब सम होता है, यहां भी सम होता है। तीसरा फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो है सिग्मा आर स्क्वायर। सिग्मा आर स्क्वायर का मतलब या सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब, जब भी ये दिखाई दे, वन वाले का मतलब वन का स्क्वायर, दूसरे वाले का मतलब दो का स्क्वायर, तीसरा वाला मतलब तीन का स्क्वायर, डॉट 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 एन मतलब एन का स्क्वायर। इसका सम का ये फॉर्मूला आता है कहां से आया भूल जाओ, ये फॉर्मूला कहां से आया भूल जाओ, चुपचाप नोट कर लो, नोट करो ये कहां से आया, क्यों आया, ये सब भूल जाओ और नोट करो। सिमिलरली चौथा फॉर्मूला होता है सिग्मा एन क्यू, उसका मतलब होता है वन का क्यू प्लस टू का क्यू डॉट 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 एन का क्यू। ये होता है तुम्हारा 1/2 एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर। चाहे तो हम इसे, हम चाहे तो सिग्मा आर का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, सिग्मा एन का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, नोट करिए। अब आता है सम ऑफ ऑड नंबर, मतलब सिग्मा 2n-1। 2n-1 में आप वन डालोगे तो क्या आएगा, वन डालोगे तो वन आएगा। इसमें दो डाल के देखो, दो डाल के देखोगे तो कितना आएगा, दो डालोगे तो तीन आएगा, तीन डालोगे तो पांच आएगा, चार डाल के देखो सात आएगा, डॉट 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 2n-1। इसका सम याद कर लो कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर एन स्क्वायर होता है। कहाँ से आया एपी का फॉर्मूला लगा लो, समझ में आ जाएगा। नोट करिए फटाफट फटाफट, शुभ काम में देरी ना करें, नोट करें। ये पांच फॉर्मूले पहले लिखो, समझो, तब मैं आगे क्वेश्चंस लूंगा इसके ऊपर। डन, चलो अब मैं बात करता हूं कि इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे और हमको इनके क्वेश्चनों को कैसे भाव देना है वो भी हम समझ लेते हैं। सिग्मा का अलग, इनका सी एच ए पूरा अलग है, सी एच ए 13 के लिए ये सब पढ़ा रहा हूँ। सिग्मा ये सी एच ए 13 है अलग, जहां पर आपको देखो अभी तक आपने एपी पढ़ लिया तो एपी पहचानना आपको आता है, जीपी पढ़ लिया जीपी पहचानना आता है, एसपी पढ़ लिया वो पहचानना आता है,
उसके बाद एजीपी, एजीपी भी पहचानना सीख गए होंगे। जब भी आपको एपी दिख रही होगी, साथ में स्क्वायर लग रहे जीपी दिख रही होगी, तो आपको एजीपी भी पहचान में आ जाएगी। क्लियर। अब सिग्मा वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं वो मैं आपको अभी इसमें और फॉर्मूले लिखाने, पहले नोट हो गया हो तो मैं आगे और बताता हूँ। चलो, पांच के आगे सिक्स, सिग्मा सिग्मा आर की पावर एन, आर की पावर एन का क्या मतलब है वो समझो। जब वन डालूंगा तो ये आर आएगा, दो डालूंगा तो आर स्क्वायर आएगा, तीन डालूंगा तो आर क्यू आएगा, डॉट 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 एन डालूंगा तो आर की पावर एन आएगा। बोलो क्लियर। अगर ऊपर नीचे गायब है इसका मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है पहले ही सपनों में, एन इक्वल टू वन से लेके एन इक्वल टू एन तक। क्लियर है। तो इसका मतलब इसको जीपी से सम करो, आर इंटू ब्रैकेट के अंदर वन माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर। बोलो समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? तो आप पहले सिग्मा, अगर आपको कंफ्यूजन कर रहा है, वन टू थ्री डाल के देखो, फिर देखो वो एपी है, जीपी है, एचपी है, स्क्वायर है, क्यू है, क्या है, उसके बेसिस पर अपने आंसर कमेंट करो। क्लियर। सातवा, सातवा मान लो जैसे तुम्हें बोला गया सिग्मा ए बी, सिग्मा ए बी का सम कितना होगा? तो आपको मैं ये चीज पहले भी बता चुका हूँ, हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये कहाँ से आता है ये चीज मैंने शायद आपको पहले भी बताई है शायद। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू एम, इसे मैं सिग्मा ए बी बोल सकता हूँ। बोलो क्लियर। बोलो क्लियर। सिग्मा ए बी बोल सकता हूँ मैं इसे। क्लियर है। तो यहां से मेरा ये हो जाएगा सिग्मा ए का होल स्क्वायर बराबर सिग्मा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं सिग्मा ए स्क्वायर बोलता हूँ, प्लस टू टाइम्स सिग्मा ए बी। ये क्वाड्रेटिक के अंदर भी बताया था, यहाँ फिर से बताता हूँ। तो सिग्मा ए बी की जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा ए का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू। यहाँ तक छापिए, छापो यहां तक। चलो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये लगता कैसे है। सर, सेवेंथ की सेकंड में लास्ट क्या लिखा है? लिखा है सिग्मा ए बी बराबर सिग्मा ए का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू। क्वेश्चन आने पर समझ लेना। फिलहाल एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आया सेकंड लाइन, सेकंड लाइन लिखी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू टाइम सिग्मा ए बी, और ये कैंसिल है, ये कुछ भी नहीं है, सिग्मा ए बी तक लिखा है बस। क्लियर है। तो टी एन बराबर मान लो तुमको दिया थ्री एन स्क्वायर प्लस वन, बोला फाइंड एस टेन। तुम्हें टी एन दिया गया थ्री एन स्क्वायर प्लस वन, फाइंड एस टेन। तो टी एन पर जब हम सिग्मा लगा देंगे तो एस एन बराबर क्या होता है? एस एन बराबर होता है सिग्मा टी एन। ये फॉर्मूला पहले पढ़ लो, इसका मतलब होगा थ्री सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा वन। बोलो यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? थ्री एन स्क्वायर प्लस वन, ये हमें टी एन दिया था, इसमें ये सिग्मा कैसे लगाते हैं ये मैं बात कर रहा हूं। बोलो यहां तक क्लियर? सर लास्ट लाइन क्या है? लास्ट सिग्मा के बाद वन, सिग्मा वन, ये वन है ना, थ्री एन स्क्वायर प्लस वन, तो वन को भी सिग्मा लगाना पड़ेगा। तो थ्री एन स्क्वायर की वैल्यू थ्री, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू पिछले पेज पे था वन बाई सिक्स, एन एन प्लस वन प्लस
टू एन प्लस वन, बोलो बताया गया है कि नहीं वहां पर, प्लस सिग्मा वन की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है एन। 2300 पहुंच गए सर, तुमने हाँ लिया नहीं लिया? लिमिट लगाई थी, नहीं मिलेगा ना, क्यों 1900 पे लिमिट लगाई, 1900 जाएगा ही नहीं आज, तो 2100 क्यों नहीं लिया? 2100 पे लेते 2300 बेचते, किसी 2100 पे क्या को मिला बोलते है क्या तत्व? हैं, एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा था, 2100 पे लगा लगाया था मैंने, नहीं, किसी को मिला है क्या तत्व? नहीं तत्व तो जिसको मिलता माता माल हो जाता, क्लियर हुआ बेटा? वो सिग्मा वन है, सिग्मा वन का मतलब एन। सार्थक बेटा क्लियर? ये सिग्मा वन लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू एन। अब उन्होंने अगर एस टेन बोला है तो एस टेन निकालने के लिए क्या करोगे, एन की वैल्यू 10 डाल दोगे तो कितनी आएगी, 1/2 इंटू 10, एन प्लस वन की वैल्यू 11, 2n+1 की वैल्यू 21 और एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। क्लियर है? तो याद रखो सिग्मा वन भी एन होता है, ये एग्जाम्पल नोट करिए, आगे मैं और ज्ञान की बातें करता हूँ, ये नोट करिए, आगे और ज्ञान की बातें करते हैं। हाँ सर हाँ सर ये बताइए, बिल्कुल बोलिए। किसी से बात करनी थी इसलिए अभी चालू कर दिए। तो ये सीरीज आई सर, ये क्या है, तो खतरनाक होता जा रहा है, ये चल क्या रहा है? यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना, दो एपी मल्टीप्लाई दिख रही है आपको, क्या आपको समझ में आ रहा है कि दो एपी मल्टीप्लाई है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अगले क्वेश्चन में तो मैं 3 एपी मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसके अगले में 4 एपी मल्टीप्लाई करूंगा। बोलो समझ में आ रहा है, दो एपी मल्टीप्लाई है? यस नो, कुछ तो कमेंट कर दिया करो। हाँ कमेंट आते रहते तो लगता है कि हाँ चलो मेरी बात किसी को समझ में आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा ना, वेरी गुड, चलो टीएन निकालो। जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपका पहला काम टीएन। एपी है डायरेक्ट? नहीं। जीपी है डायरेक्ट? नहीं। डॉट, ये डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, डॉट 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 10 टर्म। नहीं समझ में आया? अभी ऐसा कुछ बताया ही नहीं है कि जो तुम्हें समझना है। अभी अभी पहला काम क्वेश्चन क्या लिखा है वो समझो, कि वन कहाँ लिखा है, टू कहाँ लिखा है, मल्टीप्लाई कहाँ है, एडिशन कहाँ है।
अरे भैया पहली एपी तो हो गई 1 2 3 4 5, दूसरी एपी हो गई 2 3 4 5 6, क्लियर। चलो 1 2 3 4 5, इस सीरीज का टीएन कितना आएगा? 1 2 3 4 5। रंजीत बेटा वेरी गुड, बहुत सही आ रहे हो। इस सीरीज का टीएन कितना? अरे वाह, एक ने तो सम भी निकाल दिया, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 एन, समझ में आया यहां तक? और दूसरा है 2 3 4 5, कितने का डिफरेंस है? एक का, तो एन दो लाने के लिए +1। बोलो अब बताओ आपको समझ में आया है कि नहीं, टीएन समझ में आया है कि नहीं? अब इसके लिए ले रहा हूं मैं पोल। सर सॉरी मैं डेसिमल समझ गया था, डेसिमल नहीं है ये, मल्टीप्लाई है। पोल ले रहे हैं कि आपको टीएन समझ में आया है या नहीं आया है। हम पोल ले रहे हैं कि आपको टीएन समझ में आया है कि नहीं। पोल करने के लिए आपको टाइम मिलेगा केवल 40 सेकेंड का। टीएन समझ में आया है या नहीं आया है? हमको अपने 8 10 लोग मिल गए हैं जिनको टीएन समझ में नहीं आया है। जिनको आया है उनको मैं नहीं देखता, जिनको नहीं आया उनको देखना बहुत जरूरी होता है। तो हमारी क्लास में भी 11 बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी टीएन समझ में नहीं आया है। तो पहला काम टीएन एक्सप्लेन करना है। 12, काउंट बढ़ता जा रहा है। अहितेश पवार प्लीज कैमरा बंद कर लीजिए। अजितेश पवार प्लीज कैमरा बंद कर लीजिए। अजितेश चलो तो रिजल्ट आ चुका है, 13 लोग। फिर से समझाता हूँ आप क्या करो बेटा, आप पहले जो 13 लोगों को समझ में नहीं आया उनके लिए, अजितेश पवार प्लीज कैमरा बंद कर लीजिए। चलो तो आपको यहाँ पर 2 AP मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या 1 2 3 4 5 AP का टी एन एन आएगा? क्योंकि कितने का डिफरेंस है? एन का। अब वन में कितना प्लस माइनस करूं कि वन आया? कुछ मत करो, एन ही अच्छा है। 2 3 4, पहला टर्म 2, दूसरा टर्म 3, तीसरा टर्म 4, चौथा टर्म 5, पांचवा टर्म 6, मतलब एन प्लस वन। क्लियर हो गया सबको? एन इंटू एन प्लस वन नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब एन स्क्वायर प्लस एन। वन डाल के देख लो पहला टर्म आ जाएगा, 2 डाल के देख लो दूसरा टर्म आ जाएगा, 3 डाल के देख लो तीसरा टर्म आ जाएगा। क्लियर। चलो अब मुझे एस एन निकालो, तो क्या एस एन मेरा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन आएगा? अगर यहाँ से एस एन को अगर आगे करेंगे तो क्या आएगा? 1/6 एन एन प्लस वन, 2n+1 प्लस 1/2 एन एन प्लस वन। बोलो यहां तक क्लियर? यहां से आओ, जब एस 10 निकालना चाहोगे तो एन की वैल्यू 10 डालो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। करो, हो जाओ स्टार्ट। तो नाउ स्टार्ट नाउ। हो जाइए स्टार्ट। ऊपर तो किसी ने 300 समथिंग बताया था, तो देखते हैं ईसा का आंसर सही है या अभिनव का आंसर सही है। 2 मिनट में पता कर लेंगे। कैसे? ये 5 बार गया, ये 7 बार गया, तो ये होता है 35। 35 × 11 385 प्लस 2 से ये 5 बार, 5 बार बोले तो 55। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो 444 आ रहा है, 440। सर वो गलती से 2n की जगह n हो गया था। तो गलती तो करोगे तो गलत तो होंगी। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें दिया है s बराबर 1 × 4 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 6 प्लस 7 × 7 डॉट 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 8 टर्म। करिए, पहला काम टीएन निकालो, टीएन को फिर सिग्मा लगाओ। तो पहले मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो मैंने सिग्मा के 4 फॉर्मूले तुमको लिख के दिए
उनकी हम प्रैक्टिस पे पहले पूरा फोकस कर रहे हैं, ताकि पहले आपको समझ में आए कि सिग्मा लगाते कैसे हैं। टीएन नहीं जमा सर मुझे, आपका टीएन मुझे मजा नहीं आया। अच्छा एन प्लस थ्री बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो 135 को जब हम देखेंगे तो टीएन बराबर कितना आएगा, टीएन 135 बोले तो 2n-1, बहुत बढ़िया। और 456 n+3 बहुत बढ़िया। जब इसे आपने गलती से मल्टीप्लाई किया हो तो ये जाएगा 2n² + 5n, करके देख लीजिए एक बार, +5n-3 ऐसा आ जाएगा। लगाइए मुझे s8 चाहिए तो 2 into, पहले तो मैं n के टर्म में ही पूरा खोलूंगा, 1/6 n n प्लस 1 2n+1। सर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1/2 इंटू n n प्लस 1 और -3 का हो जाएगा -3n। बोला था 3 के आगे भी सिग्मा लगेगा, 3 sigma 1 sigma 1 बोले तो n, तो ये हो जाएगा 3n। अब आप इसमें एन की वैल्यू जल्दी से आउटपुट कर दो, आंसर निकाल लो। अगर 3 लोगों का आंसर सही आता है तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर सबके महान 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 आंसर आते हैं तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। करिए जल्दी सॉल्व। तो एक का आंसर आया 420, इसे हम सही बोलेंगे लेकिन अगले के आंसर आने के बाद। सर टीएन नहीं समझा बेटा, कैसे समझेगा, आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। 135, आप तुम बताओ, एपी देखो 1357, इसका टीएन क्या 2n-1 आएगा, 1 3 5 7 कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो 2n, 2 में से 1 माइनस करोगे तब पहला टर्म 1 मिलेगा। चाहे तो एपी अलग ले लो 1357। अब यहां से टीएन निकालने की कोशिश करो, टीएन बराबर ए कितना है 1 + n-1, डी कितना है 2, यहां से निकालो बेटा 2n-1 आ जाएगा। पार समझ में आया। अब ऐसे 4 5 6 7, अब इसका टीएन निकालो तो वो n+3 आ जाएगा। बोलो पार समझ में आया कि नहीं। तो आपको टीएन तो निकालना पड़ेगा, कोई ये सोचे कि टीएन तुम्हें अपने आप मिल जाए तो ऑटोमेटिकली यहाँ कुछ नहीं मिलता, पका पकाया माल नहीं मिलता, आपको कोशिश करनी पड़ती है। आईटी एडवांस करना है तो अगर प्यास लगे दिन में, अगर 10 बार प्यास लगे तो 10 बार पहले कुआ खोदो तब पानी पियो, तब जाके आपका जे एडवांस लैग बनोगे। तो 2 लोग, एक का आंसर 420, तो बस भी बात है वो गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो मेजर सपोर्ट जा रहा है वो 564 की तरफ जा रहा है। तो जिनका 420 था प्रतिमेश बराल, प्लीज एक बार अपना आंसर अपनी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। जिनका आंसर 540 था प्लीज वो एक बार अपना आंसर चेक कर लीजिए, मैं तो मेजोरिटी के साथ रहता हूँ। बराल प्रतिमेश प्लीज एक बार अपना आंसर चेक कर लीजिए और क्लियर करके बताइए आपका इतना आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से आगे गलती से भी सॉल्व नहीं करने वाला, ये मैं आपको ओरली बता दूं। मैंने तुम्हें सबके फॉर्मूले बता दिए, टीएन निकालना सिखा दिया,
क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं बस। बोलो समझ में आ रहा है? इसके सीएचए करेंगे कल, जैसा कि संडे टेस्ट है। संडे टेस्ट के लिए क्या क्या होमवर्क है मैं बता देता हूँ। 3 दिन आपके पास, 3 दिन का होमवर्क एक साथ बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक के हर एक पॉइंट को समझो और जो लास्ट बार का टेस्ट था उसे एक बार पूरा सॉल्व करो, ताकि आपको समझ में आएगा कि बेसिक क्वाड्रेटिक से कैसे कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी को क्लियर करो, डाउट है तो 4 बजे के बाद डाउट कॉल करो, मैं आपकी क्वाड्रेटिक की थ्योरी से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज होगा वो क्लियर कर दूंगा। सेकेंड टास्क, CA1 से लेके CA10 तक AP GP SP में जो कुछ भी पढ़ाया है थ्योरी को क्लियर करो और उसको एक बार दोबारा क्विकली देख लो CAHA सारे सॉल्यूशन से। इतना करके जाना टेस्ट में, ताकि आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर हो जाए, ठीक है? तो टेस्ट इसी के बेसिस पर आने वाला है। जितना लेवल लास्ट टेस्ट का था वही लेवल इस बार का है। नंबर ऑफ वेटेज क्वेश्चन की बात करोगे तो 15-16 क्वेश्चन एपी जीपी के रहेंगे और 8-9-10 क्वेश्चन, 8-9 या 10 ऐसा कुछ वेटेज रहेगा क्वांटिटेटिव का। क्लियर? बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, चीजें पता होनी चाहिए। एपी क्या होता है, एपी का टीएन क्या होता है, एपी का एसएन क्या होता है। ट्रिगो का कोई क्वेश्चन नहीं है, ट्रिगो का कोई क्वेश्चन नहीं है। इनइक्वालिटी के एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव का ही पार्ट होता है। क्लियर? ट्रिगो का आपको पहली बता दूं, ट्रिगो का अपना खुद का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एपी जीपी एचपी के साथ क्वेश्चन आ सकता है। जैसे लास्ट टेस्ट में क्वाड्रेटिक के साथ रूट बना दिए थे साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे क्वेश्चन जीपी के साथ भी आ सकते हैं। खुद का नहीं आएगा लेकिन इंडिविजुअल किसी के साथ अटैच होके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ सकते हैं, तब आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। कहाँ तक आएगा प्रोग्रेशन बता देता हूँ। जहां पर मैंने एचपी का सीए कंप्लीट किया है वहां तक, सीएचए नहीं पता, मैंने एचपी के भी क्वेश्चन एग्जाम में दिए हैं, बस ये मैं आपको बता सकता हूँ। क्लियर? चलो तो अभी हमारे पास टाइम है 12 मिनट, तो 12 मिनट में थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन देख क्या। अब मान लो सर आपने ट्विस्ट क्वेश्चन को ट्विस्ट बनाने के लिए, क्वेश्चन में अपना ट्विस्ट डालने के लिए 3 सीरीज एक साथ मल्टीप्लाई करके दिखाई, देखो 1 3 5 सॉरी 1 3 5। अब मैं 3 नंबर एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि कुछ अच्छा लगे। 2 4 7 3 5 9 डॉट 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 डॉट। इसका केवल एंड टर्म तक, इसका जो सम है वो एंड टर्म के टर्म में ही चाहिए। करो सॉल्व इसको लास्ट में टी एन टर्म, टी एन तक हमें जाना है, एंड टर्म है सीरीज के अंदर। करो पहला काम, टीएन निकाल के बताओ। अगर टीएन निकाल लिया मतलब आपने बहुत कुछ निकाल लिया। जब भी आपको दिखे, देखो आप सर कंफ्यूज हो रहा है, इतनी सारी सीरीज पढ़ा दी, तो बेटा कंफ्यूजन के लिए अपने दिमाग में थोड़ा जोर डालो। एपी आपको खुला दिखेगी, ये एपी है। जब आप डी 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 निकालो तो खुला दिखना चाहिए एपी है, खुला दिखना चाहिए जीपी है, और एपी जीपी नहीं हो, केवल नंबर 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 लिखे तो आपने उल्टा करके चेक करोगे कि ये एचपी है। तो तीनों के बाद जब आपको सीरीज में मजेदार लगेगा कि एपी और जीपी दोनों में, तब वो एजीपी है। और जब आपको लगेगा दो दो टर्म तीन तीन टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये तो सिग्मा है, आपको सब में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हर एक बात मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, हर चीज क्लियर करते हुए चल रहा हूं। जीपी में लॉग लगा दे तो एपी हो जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट आप शॉर्ट नोट्स में पढ़ोगे, दिन में जब पेपर तक 10 बार याद कर लोगे इस पॉइंट को, तब आपको एग्जाम में मजा आएगा। लॉग के बेसिस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में दिए हैं। तो टीएन निकाल के दिया है प्रतीक ने, वेरी गुड। 1 तो जिनको डाउट आएगा उससे पहले ही 1 2 3, 1 2 3। प्रतीक बेटा कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गए आप? एन माइनस टू कैसे आएगा आगे? 1 2 3 का तो एन आएगा ना, ये 2n-1 और एन माइनस टू कहां से, लंदन से आ रहे क्या ये? प्रतीक और अस्मित कहां से तुमने 2n-1 लिख दिया? 1 2 3 n, ये तो ओरली बच्चा बच्चा जानता है। 3 4 5, 2 ज्यादा है मतलब n+2। हाँ 5 7, इसमें 2 का फर्क है तो 2n+3। तो प्रतीक का और अस्मित का आंसर 101% पूरा गलत, बाकी का लगभग कॉपी पेस्ट करके सबका सही, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे के लिए इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करें, तो आराम से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अगर एक बार अगर मल्टीप्लाई में गड़बड़ होगी तो फिर भगवान भी आपका ये क्वेश्चन सही नहीं कर सकता। तो मल्टीप्लाई करने में गाय नहीं करने का। तो सबसे पहले आपका ये मल्टीप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई गलत हो गया तो कोई भी आपका ये क्वेश्चन सही करके नहीं दे सकता। क्लियर? चलो अब एस एन बताना है, तो एस एन बराबर कितना आएगा, 2 सिग्मा NQ। करो आगे सॉल्व, अब पूरा कॉमन लेके करिए सॉल्व, प्लस 6 सिग्मा N। तीनों के फॉर्मूले खोलो और देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, उसके हिसाब से पूरा सॉल्व करिए। अरितेश पवार प्लीज अपने कैमरे को बंद कर लीजिए, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। 2, ये क्या बताया था, ये बताया था 1/4 n² n+1 का होल स्क्वायर। जिसको लग रहा है सर ये फॉर्मूला कब बताया था, प्लीज बैक जाके ज्वाइन कर लीजिए, देख लीजिए एक बार। अभी मुझे पता है कि फॉर्मूले याद नहीं हुए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले याद तो आपको करने ही पड़ेंगे। जो फॉर्मूले याद करने वाले होते हैं वो याद करने पड़ेंगे। तो आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा n कॉमन आ रहा है, n+1 कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, 1 n+1 कॉमन आ रहा है, और एक 2 कॉमन आ रहा है। तो इतना कॉमन ले लीजिए, जितना कॉमन आ सकता है उतना कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा n(n+1)/2। बोलो समझ में आ रहा है? प्लस यहाँ पर बचेगा 7/3, नीचे तो कॉमन लेने के बाद यहाँ 7/3 n(n+1) जा चुका है, यहाँ बचेगा 2n+1। यहाँ से n+1/2 जा चुका है, तो मतलब यहाँ बचेगा 6। बोलो क्लियर? इसका एलसीएम ले लीजिए 6, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करिए जल्दी से, मैं एक क्वेश्चन और करूंगा। नोट करिए, नोटेड, समझ में आ रही सर? 2 विल नॉट बी द रिमाइंडर इन द फर्स्ट टर्म इन ब्रैकेट। भैया 3, 4, 5 कितने का डिफरेंस है, एक का तो n, 1 में कितना ऐड करूं कि 3 आ जाए, तो +2। यस यस यस, बिल्कुल सही बोला बेटा, नीचे 1/2 नहीं आएगा। यस बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल परफेक्ट बोला, सही बोला, यहाँ पर ये नहीं आएगा, बिल्कुल सही। चलो एक और क्वेश्चन कराया जाए। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, CHA कल करेंगे सॉल्व। चलो इसे सिंप्लीफाई कर लिया होगा तुमने, आप लोग कर लेना, जो भी कैलकुलेशन आएगी अपनी कैलकुलेशन पर भरोसा रखो। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, ध्यान से समझना।
वन प्लस वन प्लस टू डिवाइड बाई टू प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री डिवाइड बाई थ्री प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर डिवाइड बाई फोर। बोलो ऐसा क्वेश्चन आया। मैं जितनी वैरायटी हो सकती है सबको लेने की कोशिश कर रहा हूँ। कुल मिला के मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसने टीएन निकाल लिया उसे कोई रोक नहीं सकता ऐसा निकालने से। समझ में आया? डी बराबर 0.5, कौन सा डी? कुटला डी। यहाँ पर कौन सा डी देख रहे हो पार्थ? ये किसने बोला कि ये एपी है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सिंग सीरीज, ऊपर एपी नीचे एपी, अलग ही कहानी है। पहला काम इसका टीएन बताओ कैसा आएगा। पहले टीएन बताओ, नंबरों के टर्म में बताओ। कोई मुझे बोल के भी बता सकता है कि नंबरों के टर्म में इसका टीएन कैसा आएगा। पहले में ऊपर एक, दूसरे में एक प्लस दो, तीसरे में वन प्लस टू प्लस थ्री, चौथे में वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर। कोई बताएगा एनवे में क्या आएगा? ऊपर ऊपर एनवे में ऊपर क्या आएगा कोई बताएगा? आपका आंसर बिल्कुल सही है सद्दा बेटा, बट मैं नंबरों के टर्म में पूछना चाहता हूँ। आपने पूरा सॉल्व करके बता दिया है, क्योंकि हमारी क्लास में अगर मैंने एन प्लस वन बाई टू लिख दिया ना तो आधे से लोग बोलेंगे सर ये क्या मजाक चल रहा है, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो आप ये समझो, कोई मुझे नंबरों के टर्म में बता सकता है? बोल के बता सकता है? माइक ऑन है सबका, एनीवन कोई बोल के मुझे बताएगा कि ऊपर क्या क्या आएंगे? पांच बेटा आप बता सकते हो कि पहले में वन, वन प्लस टू वन प्लस थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, तो पांचवे में वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, तो एनवे में क्या आएगा? वेरी गुड, तो यस, तो मैं यही तो सुनना चाह रहा हूँ, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर डॉट 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 एंड। क्योंकि तुम्हें एक दो को समझ में आने से मेरा काम नहीं चलता, मेरे को पूरी क्लास से काम चलता है, एक दो तीन चार, तो एनवे में एन। बोलो सबको समझ में आया कि मेरा टीएन ऐसे आने वाला है? ऊपर वाले को बच्चा बच्चा जान गया होगा, अब तो एन बाई टू एन प्लस वन होता है, डिवाइड में एन होता है, एन से एन स्वाहा होता है, एन से एन स्वाहा, तो ये आता है एन प्लस वन बाई टू। तो सर इसका एस कैसे आएगा? एस आएगा इसका वन बाई टू सिग्मा एन प्लस वन बाई टू सिग्मा वन। क्लियर? तो एस बराबर आ जाएगा, यहाँ पर देख लो वन बाई टू, ये होता है एन एन प्लस वन बाई टू प्लस एन बाई टू। बोलो समझ में आ रहा है? ये कहानी क्लियर हो रही है सबको? आप समझ रहे हैं क्वेश्चन ऑफ वैरायटी क्या क्या हो सकती है, कि सिग्मा कैसी खतरनाक खतरनाक टाइप के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करने की पावर रखता है। चलो तो लेक्चर को मैं कर रहा हूं यहीं पर खत्म। होमवर्क टेस्ट की तैयारी, होमवर्क टेस्ट की तैयारी, सी एच ए 12 में जो गड़बड़ रह गई उसे कंप्लीट कर लेना। जो पांचवा क्वेश्चन था ना जो हमने लास्ट में किया था, वो यहाँ से होता है, टी एन निकाल के सिग्मा लगा के। क्लियर? तो उम्मीद है इसे यहाँ तक नोट कर लोगे। मिलते हैं कल, तो आज के लेक्चर को यहीं पर करते हैं खत्म। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। ठीक है, उम्मीद है सिग्मा वाला जो सेशन था आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा फनी भी लगा होगा, थोड़ा आसान भी गया होगा, और आधे से लोगों के ऊपर से बाउंस भी गया होगा। तो जिनके बाउंस गया है ये पीडीएफ अभी शेयर करूंगा मैं शाम तक, तो एक बार पूरा रिवैक करने का क्या हुआ है, क्योंकि दो दिन तक यही कहानी चलने वाली है, तो प्लीज इस पर फोकस करने का। मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।